देशवासियों के लिए 26 जुलाई का दिन बड़ा गौरवशाली है। इसी दिन वर्ष 1999 में देश के योद्धाओं ने पाकिस्तानी सेना को पराजित कर कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। कहते हैं, युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति से लड़े जाते हैं। इसी का परिणाम था 1999 में पाकिस्तान से हुए कारगिल युद्ध पर विजय पाना, जिसमें हिंदुस्तानी सैनिकों ने दुर्गम और ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे किए थे। लेकिन इस युद्ध में शहीद हुए उन वीर सैनिकों की गाथाएं आज भी देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा करती हैं। यह दिन विजय दिवस के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 60 दिनों तक चले इस युद्ध में शहीद हुए 527 से ज़्यादा सैनिकों ने मां भारती के चरणों में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इनमें से किसी ने अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा था, तो किसी ने अपनों से घर लौटने का वायदा किया था। लेकिन इन वीर शहीदों की गाथाएं आज भी उस गांव, उन शहरों की गलियों में गूंजती हैं जहाँ उन्होंने अपने बचपन को मौज मस्ती से जिया था। ऐसी ही एक कहानी है देहरादून के शहीद विजय भंडारी की। देहरादून के श्यामपुर प्रेमनगर निवासी विजय भंडारी मात्र 21 वर्ष की उम्र में ही सेना में भर्ती हो गए थे। खुशी इतनी कि विजय ने इसकी खुशखबरी सेना में भर्ती होने के कुछ दिन बाद घर वालों को सुनाई थी। 17 गढ़वाल बटालियन में तैनात विजय भंडारी के पिता भी सेना में थे, जिनका वर्ष 2006 में निधन हो गया। 3 बहनों की शादी होने के बाद घर में अकेली मां के रहने से चिंतित विजय भंडारी ने शादी कर ली। शादी के समय विजय 2 महीने की छुट्टी लेकर गांव आए थे। कारगिल युद्ध होने के कारण शादी के 10 दिन बाद ही विजय की छुट्टी निरस्त कर उन्हें बुला लिया गया। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और 25 वर्ष की उम्र में ही विजय भंडारी देश के लिए दुश्मनों से लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए। बेशक शहीद विजय भंडारी जीते जी अपने गांव वापस न लौट सके, लेकिन गांव में विजय के नाम से बना शहीद द्वार आज भी क्षेत्रवासियों को उनकी वीर गाथा सुनाता है। वहीं बूढ़ी माँ गांव में अकेली आज भी अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही है।